स्वागत है तुम्हारा गोल्डन भवन में दोस्तों। यहाँ ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल देवता पार्टी करते हैं। बात है ये तो। वो है अकेलेपन के देव, वो तुम्हारे सपनों के देव। उधर ऊपर देखो मियाँ, अपुन के क्रोन बाबा, नोनी के निन्नी। ए निन्नी नोनी। और वो कारीगरी के देवता, ओ उधर उसे देखो। अरे हाँ वो बाव है, मोमोस का देवता। हे बाव। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मैं जो भी करता हूँ इन्हें देख के करता हूँ। ये बिजली के देवता है, मैं तूफान का देवता हूँ, इन्हीं को फॉलो करता हूँ। Yes, महान, मेहरबान, शक्तिमान। तुम उनकी सेना मांगो तो पहले ऐसे ही उनकी तारीफ करना। Yeah! देवों के इस पवित्र दरबार का कारोबार आरंभ हो, जहां आज हम कई भिन्न भिन्न संगीन मुद्दों की चर्चा करेंगे। ये मजा कर रहे हैं ना? Honestly, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ, कुछ सोच के ही बोला होगा उन्होंने। जैसे कि इस साल समारोह का स्थान कहाँ होगा, अब हम घोषित करते हैं एक खास पुरस्कार, किस देव के नाम हुए सर्वाधिक बलिदान। जेन तुम राइट से जाओ, थोर तुम लेफ्ट से, कूल्हे पे दुलत्ती, बोर्ड की बत्ती, डिंग डोंग। हाँ ठीक है, चलो चल के लाते। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, कोई किसी के कूल्हों पे दुलत्ती नहीं मारेगा ना। मुझे नहीं लगता ये कुछ भी काम की बात करेगा। देखो ये देवता लोग कुछ काम के नहीं है, पर वो थंडरबोल्ट वो शायद काम की चीज है। सही वक्त अभी नहीं आया है। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? ये लोग आप यहाँ उपस्थित देवों से कुछ कहना चाहते हैं? जो कहना है मंच पर आके कहोगे। कहाँ से? वहाँ स्टेज से। वही तो, यही वो मंच है जहाँ सभा के सारे पंच प्रपंच करते हैं। ब्रह्मांड के देवताओं, यहाँ आपकी मदद मांगने आया हूँ। एक सेना बनानी है मुझे, एक सनकी है जिसका नाम देव हत्यारा है, वो हम सबको मारने निकला, पर मैं जानता हूँ वो कहाँ है और आपकी मदद से उसे खत्म कर देंगे, ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। उसने हर जगह बर्बाद कर दी, कितने ही ग्रहों और राज्यों की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा। उसने अपने रास्ते में सिर्फ तबाही छोड़ी। उसने दो चार छोटे मोटे देवों को मारा है, बस छुट्टू मुट्टू तुम्हारा हो गया। सुंदर बालक, तो अपने आसन पे जाओ और शांत बैठ। हे ज़ूस, हमें कुछ तो करना होगा। तुम बाहर हो समारोह से। आपको मेरी बात सुननी होगी। धिक्कार है, हत्कड़ी। तुम जब भी तैयार हो मुझे बता देना, चलो मेरे सिग्नल पर। सिग्नल क्या होना? कहूंगी चलो। आप होगा नजारा जब होगा मेरा इशारा। मदद करने चले? थोड़ी देर में करते हैं। अंगूर खाओगी? कुछ ज्यादा ही साफ कर दिया मोटे। तुम हो थॉर, तूफान का देवता, पर बिना बिजली के तूफान की हस्ती ही क्या है? और इसके साथियों का क्या? चाहो तो उनका भी नजारा साफ कर दे। अरे नहीं नहीं नहीं, इशारा मत कीजिए। मामला हमसे बढ़कर है, वो एस्गार्ड के बच्चों को चुरा कर ले गया है। तो हम कौन है बचाने वाले? देवों की पुलिस, एस्गार्ड की मुसीबत। एस्गार्ड को मुबारक, केवल अपनी प्रजा को देखना हर देव का कर्म, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। मेरा हीरो ज्यूस कायर। कुछ बातें समझ लो। गॉड नेक्रोसवर्डधारी है, यानी वो हमारा विनाश कर सकता है। अति अशुभ, हम यहाँ सुरक्षित हैं। तुम मेरे मित्र, तुम भी सुरक्षित हो, तो हंसो मेरे हलवे, मदिरा खाओ, अंगूर पियो। तुम्हारा चीर हरण हो गया, अभी लाश ढकता हूँ।
ज़ूस का इशारा, वस्त्र धरो दोबारा, क्योंकि ये देवताओं का दिव्य मंदिर है। हमें वो लाइट वाला बोल्ट चाहिए। जो अगर कभी किसी का दिव्यास्त्र उधार मांगना हो तो कम से कम उसका नाम लेना तो सीख लो। मेरे दिव्यास्त्र का नाम है थंडरबोल्ट। क्या मैं ले सकता हूँ थंडरबोल्ट? थंडरबोल्ट देव हत्यारा इटर्निटी तक नहीं पहुंचेगा। इटर्निटी ब्रह्मांड के बीच मौजूद सबसे शक्तिशाली जीव है, उस तक सबसे पहले पहुंचने वाली की इच्छा पूरी होगी। वो इटर्निटी के दर तक पहुंचा तो वो सबको एक ही झटके में साफ कर देगा। ज़ियोस कुछ करना होगा अभी। वो द्वार कभी नहीं खोल पाएगा, उसके पास चाबी नहीं है। हमारे इस गुप्त नगर के बारे में केवल देवता जानते हैं, तुम जानते हो हम कहाँ हैं। वो देव हत्यारा तुम्हारे द्वारा हमें ढूंढ सकता है। तुम यहीं रुकोगे, मेरे प्लान को आजमाए। हाँ, मारो दुलत्ती। होती है बिजली की खरच। गॉर्क, मैं इधर हूँ। यस, तुम जिंदा हो। एक क्रोनन की बॉडी में एक इंच पार्ट जिंदा होना, उसका मुंह। इसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, अब मेरे पीछे भी आंखें हैं। साइड से देखना वाल। साइड से आ रहा। मैं उन्हों को बुला के रहूंगा।